वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये कौन सी मार्केट है? नाना वाड़ा गोश्त मार्केट। क्या तरीका होता है यहाँ पे पारा बनाने का? सर मजदूरी बुनाई देते हैं हमें, बाकी तो दुकानदारों का माल होता है सारा। अच्छा। जी और आपने बता दें चार सेट होते हैं पाए, क्या होता है? चार पाए को जोड़ी बोला जाता है। अच्छा जी। और ये सामने जो पानी है ये क्या होता है, किस तरह? ये खाली प्योर पानी होता है, कुछ भी डाला हुआ नहीं होता। इसमें कितनी देर रखते हैं पाए को? वो पाए के ऊपर है, भारी पाया है तो आधा घंटा ले जाता है, हल्का पाया है तो 15-20 मिनट। तो यहाँ पे बड़ा प्रोसेस है, पहले पानी में पका रहे हैं, फिर खाल उतार रहे हैं, फिर पका रहे हैं, फिर खाल उतार रहे हैं। खाल नहीं उतार रहे हैं, बाल उतर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खाल नहीं उतार रही है। अच्छा। उसको भुना हुआ कहा जाता है। सतारा मार्केट में जाओगे उबला हुआ मिलेगा आपको। हाँ। और कच्चा जो होता है तो वो ऐसे ही छिला जाता है खाल के साथ, खाल उतरेगी उसकी। अच्छा, भैंस के पाड़े के किसी से पाए होते हैं आपके पास? भैंस होती है, पाटा होता है, और ये बच्चिया होती है, ये भैंस है। अच्छा जी, ये भैंस है। तो ये क्या, अगर घर कोई नॉर्मल बंदा आया पाया अपना बनवाने के लिए तो क्या पैसे होंगे इसके? नॉर्मल बंदा चार पाए के 200 रुपये। चार पाए के 200 रुपये। 200 रुपये बकरा ईद पे बाकायदा जितने भी है ना, ये काम नहीं होता बकरा ईद पे, लोगों का काम होता है जो कुर्बानी करते हैं ना। हाँ। उनका ही काम करते हैं। अच्छा, छिले हुए पाए में और ये पके हुए पाए में, इस तरह भुने हुए पाए में टेस्ट में फर्क आता है? वो आपके स्वाद के ऊपर, आप क्या पसंद करते हो। तो अपना कोई नंबर वगैरह बता सकते हैं? दोबारा बता दिया, भाई से पूछ लूँ? भाई से पूछ लूँ। चले यार, बहुत शुक्रिया, मैं भाई से पूछता हूँ। जज़ाकअल्लाह। मैं थोड़ा एक प्रोसेस बता देता हूँ। ये देखें, ये पाए यहाँ पे भुन रहे हैं, ये बच्चा पाँव पाए के खुर उतार रहा है। उतारना बेटा, कैसे उतार रहे थे? उतार दिए खुर। चलें, ये बच्चा जो है खुर उतार रहा है पाए के। अच्छा, यहाँ पे खाल उतर रही है। और ये देखें, ये बॉयल हो रहा है, जो कि भाई ने बताया था कि 10-12 मिनट 15 मिनट इसको बॉईल करते हैं फिर निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले बॉईल होता है, बॉईल होने के बाद इसकी खाल को छील देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पीछे देखें भाई उसको पका रहे हैं। पकाने के बाद इसके खुर उतार दिए जाते हैं। खुर उतारने के बाद ये भाई देखें यहाँ पे इसको फाइनल एक धुलाई कर रहे हैं इसके ना। अच्छा, धुलाई होने के बाद ये आता है दुकान पर, वहाँ पर सेल होता है। अच्छा, इसके जो चार पाई के प्राइस होते हैं वो 200 रुपये होते हैं, और आप दे जाएं आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। मैं भाई से पूछता हूँ इनका नंबर क्या है। ये पकड़ेंगे भाई, एक मिनट पकड़ें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कुछ एड्रेस नंबर कोई बता दे, कोई बंदा कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सके। नंबर है 0315-211-9951। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम तकरीबन 10-11 साल से कर रहे हैं। और रोजाना के कितने पाए लपेटते हैं? रोजाना के ये 100-150 लपेटते हैं, 100-150 या दे दर्जन। हाँ, जोड़िया। तो ये सारे जो है फैक्ट्री के, ये जो पाए जो होते हैं सारे ये कारखाने के होते हैं? दुकानदारों का माल होता है। दुकानदारों का माल होता है जी, वो सब आपसे ही करवाते हैं जी। पूरे सारा होता ताज़ा है? हम तो खाली, हाँ ताज़ा माल है सारा, रात का माल है, ताज़ा रात की कटी हुई है जी। हम तो खाली बुनाई करते हैं और बुनाई के पैसे लेते हैं दिहाड़ी में। सही, बहुत शुक्रिया।